हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लासेस लाई है आपके सामने चैप्टर नंबर 8, क्लास 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यह। चैप्टर आपको 10 मार्क्स देगा, पूरे 10 मार्क्स आपके खाते में होंगे। तो यहां चैप्टर कौन सा है? कंपेयरिंग क्वांटिटी, राशियों की तुलना। तो यहां पे राशियों की तुलना है, यहां पे समझ जाना यानी रीट वाले स्टूडेंट के लिए भी काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है। यह फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ गए, यानी आप रीट का कोई भी क्वेश्चन, लाभ हानि का क्वेश्चन, यानी आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अमाउंट थोड़ी इंटरेस्ट ये सभी बातें यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे क्लास 8 वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, स्पेशल क्लास 8 के लिए बनाया है वीडियो। तो क्लास 8 के स्टूडेंट ध्यान रखें, मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, पहले उसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद तो देखते हैं यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कहना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट, देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने कौन सा होगा। तो मैंने लिखा है कन्वर्ट अ फ्रैक्शन, मैंने आपके सामने पहले से लिख के रखा है कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। यानी देखो, फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसका? 100 का। यहां पे मल्टीप्लाई होगा, 100 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सेकंड पॉइंट यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। पहले क्या था? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देखो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आपको क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा कि 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर जाना है तो आपको क्या करना है, 100 का क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। अब मैं थोड़ी बात कर रहा हूं प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस यहां पे क्या होता है। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट, प्रॉफिट में एक चीज ध्यान रखना, यहां पे एक प्राइस होती है सेलिंग प्राइस और एक होती है आपकी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस जो होगी वह बड़ी होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस जो होगी वो बड़ी होगी और कॉस्ट प्राइस वो कम होगी, तो ही वो प्रॉफिट अपने को मिलने वाला। देखो, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। एसपी और सीपी का मतलब क्या होता है? एसपी का मतलब होता है जो अपन बेचते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लेता हूं, कोई बुक है 8 क्लास की, जैसे बुक है या पासबुक है या संजीव है, उस बुक को जैसे मात्र 200 रुपये की बनी है, कॉस्ट प्राइस उसकी 200 रुपये की बनी है, और मार्केट में वह जो अपन सेल प्राइस करेंगे और उसको बेचेंगे, ठीक है, तो वह बुक अपने बेचने में 250 रुपये में गई, 250 रुपीज में उसको बेच दिया। यानी सेलिंग प्राइस कितनी है, 250, कॉस्ट प्राइस क्या थी, 200 रुपीज। तो यहां पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा, एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, एसपी में से क्या कर देंगे, सीपी माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब उसी तरीके से लॉस की बात करेंगे। लॉस क्या कहता है, लॉस यानी हानि, ठीक है, प्रॉफिट का मतलब लाभ। तो लॉस यानी हानि का मतलब इसमें क्या होगा, यहां पे ये होगा, लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस जो बनती है अपनी, कॉस्ट प्राइस जो है 200 रुपीज थी, 8 क्लास की बुक का प्राइस क्या था, 200 रुपीज, और यहां पे सेलिंग प्राइस जब करते समय वह बुक मात्र 180 रुपए में बिक गई, यानी 180 रुपीज में वह उसको बेच दिया गया, तो ध्यान रखना उसको, तो यहां पे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहां पे क्या बड़ा होगा, सीपी बड़ा होगा, क्या होगा, सीपी बड़ा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस यहां पे कम होगा। तो ये सिंबल आप समझ ही गए होंगे मैंने यहां पे क्यों लिखा है सिंबल, इसलिए लिखा है कि एसपी से सीपी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए लॉस निकालने का तरीका क्या होगा, सीपी में से क्या कर देंगे, एसपी माइनस कर देंगे, सीपी में से एसपी माइनस कर देंगे तो लॉस निकल जाएगा, और एसपी में से सीपी निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पे दो बातें मैंने आपको समझा दी है। अब बात करते हैं यहां पे तीसरी बात, तीसरी और चौथी बात मैं यहां पे लेके आया हूं, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज यहां निकालना है और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज क्या कहना चाहता है, देखना। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है, यहां पे कुछ फॉर्मूला है प्रॉफिट निकालने का परसेंटेज में, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट मल्टी 100, प्रॉफिट मल्टी 100। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले अपने को प्रॉफिट का फॉर्मूला अपने को आना चाहिए, जो अपनी एसपी होगी उसमें सीपी को माइनस करेंगे
और वो प्रॉफिट अपन यहां लिखेंगे। उस प्रॉफिट को 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सीपी उसका डिवाइड में रहेगा। सीपी क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा। उसी तरह से लॉस परसेंटेज, लॉस में परसेंटेज निकालना है यानी हानि परसेंटेज निकालना है तो क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होगा, लॉस यानी लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी करेंगे, जो लॉस आया है उस लॉस को यहां लिखेंगे और मल्टी करेंगे 100 से और अपन ने क्या लिखेंगे, सीपी, जो सीपी अपनी होगी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो होगी उसको यहां लिखना है। अब बात करते हैं यहां पे आपके सामने 7 और 8 क्या कहना चाह रहे हैं। एक एसपी होता है, एक सीपी होता है। अभी तक अपन ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकालना। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि यह आपको लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है, लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है। आप कहीं कंपटीशन एग्जाम दोगे, आज के हर कंपटीशन एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स का तो एग्जाम होता ही है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते ही हैं, मैथमेटिक्स सिलेबस में होता ही है, तो उसमें ये लाभ हानि ऐसा चैप्टर है हर जगह काम आने वाली चीज है। अब यहां 7 जो है देखना, एसपी, एसपी यानी सेलिंग प्राइस निकालनी हो, किसी चीज की सेलिंग प्राइस निकालनी हो और आपको क्या दे रखा होगा अंदर, प्रॉफिट परसेंटेज एडवांस दे रखा होगा, प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा वह क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा होगा। तो यहां पे क्या करना है मित्रों, देखना प्रॉफिट का परसेंटेज आपको दे रखा होगा तो आपको यहां पे क्या करना है, तो देखना मैं बताता हूं यहां पे एसपी के बराबर यहां पे ध्यान रखना। जब प्रॉफिट होता है, जब क्या होता है, प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट निकालना है एसपी में, प्रॉफिट की बात चल रही है तो इतना प्रॉफिट हुआ यूं आएगा, जैसे आपके सामने एक वॉशिंग मशीन है, मैं आपके सामने एक उदाहरण ले रहा हूं, वॉशिंग मशीन की प्राइस है, जो प्राइस होगी वॉशिंग मशीन की वो 10,000 है, कितनी है 10,000 है, तो 10,000 है और उसका 20% प्रॉफिट हुआ है, और उसका क्या हुआ 20% प्रॉफिट हुआ है, जब उसको बेच दिया गया था तो 20% का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, क्या हुआ था 20% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट यहां पे परसेंटेज लिखेंगे और 100 के साथ उसको जोड़ देंगे, 100 के साथ उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और 100 का नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और मल्टी में आ जाएगा सीपी। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि वॉशिंग मशीन जो था वो 10,000 का था और उसको जब बेचा गया तब 20% का लॉस हुआ, क्या आ जाएगा 20% का लॉस हुआ, तो तब एसपी निकालना पड़ेगा, कितने में बिका वो, कितने में बेचा गया वो निकालना है। एसपी का मतलब वो कितने में बिक गया, वॉशिंग मशीन 10,000 का था तो कितने में गया, यानी लॉस कितना हुआ, जो लॉस अंदर दे रखा होगा उसको 100 में से लॉस को माइनस कर देंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे और मल्टी सीपी कर देंगे, मल्टी सीपी कर देंगे। तो मैंने एसपी में प्रॉफिट का भी लिखा है और लॉस का भी, दोनों फॉर्मूले लिखे हैं। उसी तरह से यहां पे आता है सीपी, क्या आता है सीपी, सीपी में क्या होगा, यहां पे कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी, कॉस्ट प्राइस निकालने का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो उसमें क्या करना है, अभी सभी क्वेश्चन इसमें लाइन से आएंगे उसको मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो देखना 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट यहां पे ऊपर था, यहां नीचे करना है बस, दूसरा कोई चेंज आपको नहीं करना है, और सीपी की जगह यहां पे एसपी लिखा जाएगा, यहां पे एसपी लिखा जाएगा। जैसे वॉशिंग मशीन था, वॉशिंग मशीन था, उसको 12,000 रुपए में बेचा गया, 12,000 रुपए में बेचा गया, मगर उसकी प्राइस क्या थी, मगर उसकी प्राइस क्या थी, प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस निकालनी, जो प्राइस, जो कंपनी की जो प्राइस थी वो निकालनी है, तो अपने को सीपी निकालने का फॉर्मूला था 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टी एसपी। और यहां पे लॉस हुआ, जैसे सीपी में भी लॉस होता है तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इज इक्वल मल्टी एसपी, मल्टी क्या हो जाएगा एसपी। तो ये फॉर्मूला आप उतार लीजिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने कुछ अलग पॉइंट है, ध्यान रखना, उन पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूं। अमाउंट व्हेन इंटरेस्टेड इन कंपाउंड एनुअली, एनुअली यानी पूरे वर्ष का, और एक फॉर्मूला होगा अमाउंट व्हेन इंटरेस्टेड इन कंपाउंड, कंपाउंडेड हाफ ईयर, एक तो पूरे साल का और एक आधे साल का, दोनों बात कर रहा हूं मैं, तो उसका फॉर्मूला यहां पे क्या लगेगा देखना, पी कॉस्ट ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100, कॉस्ट ऑफ 1 और पावर में एन होगा। अब यहां पे सर एन क्या है, पी क्या है, आर क्या है, पी का मतलब होगा प्रिंसिपल, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, आर का मतलब होता है रेट और एन का मतलब होता है जो टाइम पीरियड आपको 2 साल 3 साल 4 साल जो भी दे रखा होगा वो,
ठीक है। और हाफ ईयर के अंदर पूछा जाए तो हाफ ईयर के अंदर पूछा जाएगा तो आपको क्या करना, पी कॉस्ट ऑफ वन प्लस आर अपॉन 200 और पावर में क्या जाएगा 2n इज इक्वल टू, आपको मैंने बता दिया है पी का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है। तो आपने यह बात पूरी समझ ली होगी। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो यहां पे जो आने वाला है उस वीडियो को देखना नहीं भूलें।